इतना चाहा था मैंने उसे, कितनी शिद्दत से उसकी आरजू की थी, क्या था अगर उसका साथ मिल जाता। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। यार मैंने पॉइंटर्स बना लिए थे पर आई थिंक उसकी ड्यू डेट ना कल की। वो देखो आ गया तुम्हारा हीरो। चुप करो यार, बहुत फजूल बोलती हो तुम। अब इसमें फजूल बात क्या है, पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मरती हैं इस पर, लेकिन वो फिर भी सबको इग्नोर करके बस तुमसे ही आके बात करता है बहाने बहाने से। तुम्हें पता है कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना, तो मेरे बोर होने पर उसने मुझे इतनी कंपनी दी है। अच्छा जी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, बहुत बुरी हो तुम। अब तो बता रही हूँ ना। हेलो, कैसे हो आप लोग? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैन आई हैव अ मिनट? या श्योर। अच्छा गाइस, मैं ना माजबीन से नोट्स लेके आती हूँ, सही है? ओके, आई सी यू इन अ बिट। मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो बात यहाँ नहीं हो सकती। So, can we go out for a coffee in the evening? Coffee in the evening? तुम क्या busy? नहीं, I'm not particularly busy. Time तो मैं निकाल ही सकती हूँ, तो okay, let's go. Perfect, I'll wait for you. Okay, yeah. चलो, see you then. See you then, all right. चलो ठीक है गाइस, मैं ना बाद में तुम्हें से बात करती हूँ। क्या कह रहे थे तुम्हारे वो? अभी तक तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जल्द कह देगा। बड़ा ही सुस्त बंदा है भाई। सुनो, कॉफी पे बुलाया उसने मुझे आज शाम कॉफी शॉप पे। रियली? वाह भाई, इजारे मोहब्बत, वो भी कॉफी शॉप में, क्या बात है। मान लो भाई, बड़ा ही रोमांटिक बंदा है। अच्छा सुनो, आज ना तो मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, सेलिब्रेट करेंगे। घर? यार अम्मी, तुम्हें पता है वो परेशान होती हैं। यार ये प्लीज ना, आज अम्मी का एक्सक्यूज मत देना मुझे। चलो मेरे साथ, अभी तुम्हें डिसाइड भी तो करना है कि मैंने पहनना क्या है। हेल्प नहीं करोगी क्या मेरी? चलो अच्छा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर से ना अम्मी को कॉल करके इत्तला। अरे तुम गाड़ी से अम्मी को इत्तला कर देना, मेरा ड्राइवर आया हुआ है। ओके सो लेट्स गो, फॉलो मी। या अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं यूनिवर्सिटी से ना डायरेक्ट मिनाल के घर आ गई थी, वो मुझे शाम में ड्रॉप करवा देगी। अरे ये क्या, तुम हर वक्त अपना घर छोड़कर मिनाल के घर चली जाती हो? मैं कुछ एहसास भी है कि दोपहर के खाने पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? वो मी, या तो मत डांटे। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, आपको पता है मुझे मिनाल जबरदस्ती ले आई है। आपको मेरी बात पे नहीं ना यकीन? मैं काम करती हूँ, आपकी बात मिनाल से करवा देती हूँ, आप उससे खुद ही पूछ लेगा। कराऊं उससे बात आपकी? रहने दो रहने दो, जैसी तुम वैसी तुम्हारी सहेली। अब जल्दी घर आओ, ये ना हो कि शाम तक तुम वहीं रुक जाओ। अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना जल्दी आ जाऊं। आप प्लीज खाना खा दीजिएगा। ठीक है। काश काश कुछ और मांग लिया होता तो आज वो भी मिल जाता। तो मांग लेते, किसने मना किया था? रोका तो किसी ने नहीं, बस मैं ये चाह रहा था कि तुमसे आज एक आखिरी मुलाकात हो जाती। आखिरी बार? आखिरी बार क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी आज रात की फ्लाइट है, I'm going back. आप वापस जा रहे हैं इतनी जल्दी? फिर कब आएंगे? जैसे ही मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म होंगे तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए वापस।
मतलब फिर एक तवील इंतजार करना पड़ेगा। देखो ईशा, दो दिलों को मिलने के लिए टाइम तो लगता है ना, तो इंतजार करना बनता है नहीं? वो सब तो ठीक है अशर, पर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। देखो ईशा, यू नो आई एम नॉट डन विद माई स्टडीज, डैड के पैसे पे ऐश कर रहा हूँ यार। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं रिश्ते की बात करूंगा तो अच्छा लगूंगा, तुम्हारे कहने पे अगर मैं घर वालों से बात कर भी लूं, तुम्हारी अम्मी को क्या कहूंगा भाई कि मेरी कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, प्लीज मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या वो हाँ कर देंगी? नहीं ना। तुम्हें लगता है अगर वो मुझे इस हालत में एक्सेप्ट कर लेंगी तो मैं अभी डैड से बात कर लूंगा? अरे बेटा, मैं तो समझा समझा कर थक गई, अचाले मेरी बात सुने वो, तुम बात करो उससे और सख्ती से बात करना। अम्मी ईशा जैसे ही आए मेरी बात करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ये तुम खुद ही बात कर लो, ये बात करो भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ईशा कहाँ थी तुम? भाई वो मैं मिनाल के घर गई थी। अम्मी की नाराजगी जानती हो फिर भी? भाई मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जाना चाहती थी, मिनाल मुझे जबरदस्ती ले गई थी। आज तो अम्मी बहुत ही गुस्से में, आज तो सही वाली क्लास होगी। देखो अम्मी वाकई में बहुत गुस्से में, मैंने उन्हें समझा दिया है, तुम्हें भी तो एहतियात करना चाहिए था ना, अगर वो किसी बात से तुम्हें मना करती हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मना करती हैं। तुम दोनों वहां अकेले हो, कोई मर्द भी नहीं है वहां, यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ जाना चाहिए था ना। जी ठीक है भाई, अब मैं ख्याल रखूंगी, अम्मी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। गुड गर्ल, मुझे इसी बात की उम्मीद थी तुमसे। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी भाई करें बात। फूफो के बेटे का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, तुम क्या कहती हो? मैं अम्मी को बता तो चुकी हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी भाई। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या कोई पसंद है तुम्हें? नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो अगर शादी के चक्कर में पड़ गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, और आपको तो पता है मुझे डॉक्टर बनने का कितना शौक है। सब हो जाता है, लड़कियां शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। मैं जानता हूँ, उसे तुम्हारी पढ़ाई जारी रखने पर कोई एतराज नहीं होगा, आंटी भी बहुत सुलझी हुई मोहब्बत करने वाली खातून है। अच्छा ठीक है भाई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है तुम सोचो फिर उसके बाद मुझे बताना। जी ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं अकेले कैसे इस मुश्किल का सामना करूंगी? अम्मी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आप मुझसे नाराज हैं? आप बस मुझे बता नहीं दिए। अगर मैं तुमसे नाराज भी हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मिनाल और उसके घर वालों से फासले पर रहो तो तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? अम्मी मैंने आपको समझाया तो है कितनी दफा, वो लोग अच्छे लोग हैं। अभी तुम इतनी समझदार नहीं हुई कि तुम्हें अच्छे बुरों की परख हो सके। पता नहीं अम्मी आपने मिनाल से कौन सा बैर बांध दिया है, आप उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये दोस्ती खत्म कर देती हूँ। हाँ इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती,
कर दो खत्म। कम अज कम मुझे तुम्हारे नुकसान की फिक्र से तो आजादी नसीब होगी ना। मुझे भला क्या नुकसान इस दोस्ती से? वो कौन सा मेरे पीछे गन लेके पड़ी हुई है? देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के लुटाने के लिए कुछ नहीं है। इन अमीर लोगों की ना दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। अच्छा ना अम्मी, पर मैं आपको कैसे समझाऊं? मिनाल ऐसी नहीं है और मेरी एक ही तो दोस्त है। देखो बेटा, हर चीज हद में अच्छी लगती है। तुम्हारा रोज रोज मिनाल के घर जाना ठीक नहीं है। अपनी दोस्ती को ना यूनिवर्सिटी की हद तक रखो। अच्छा ना, बस करें, और कितनी बातें सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, जाओ चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने तो खाना, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं ये सोच रही थी कि तुम आओगी तो साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी माँ चाहे भूखी बैठी रहे। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी ना अम्मी, अब आईना नहीं होगा। जाओ। अच्छा ना अम्मी, सॉरी। अच्छा चलो जाओ, जाओ चेंज करो जाकर। आईंदा नहीं होगा। जाओ ना, मैं कह रही हूँ। जा रही हूँ यार, जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। अब शेयर करो वो जरूरी बात जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। आई नो आई हैव टू टॉक टू यू बट थैंक यू, आई हैव कॉफी। अमेरिकानो इज रियली नाइस। ओके, आप टू अमेरिकानोस। थैंक यू। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुमने मुझे यूं बुलाया? यूनिवर्सिटी में भी तो हो सकती थी ना बात। आई नो यूनिवर्सिटी में भी हो सकती थी, लेकिन मुझे ये जगह ज़्यादा सूटेबल लगी। मुझे एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तो मैंने वेरी क्विक सर्विस यार, थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है और क्या जानना चाहते हो तुम? मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस तो सभी जानते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं तो ईशा के बारे में बात करना चाह रहा था। ईशा के बारे में? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे एक्चुअली ईशा के बारे में तो बात करनी थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या जानना चाहते हो तुम ईशा के बारे में और क्यों? मिनाल, मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक ईशा, लेकिन वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, उसको मेरी फीलिंग्स तो फ्लर्टी लगे। तुम ईशा की दोस्त हो ना, तो तुम प्लीज़ ईशा से बात करो, ताकि मैं अपनी अम्मी से बोलूँ वो फ़ौरन रिश्ता लेके जाए उसके साथ। और तुम्हारी फैमिली, उनको ईशा की क्लास से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरी फैमिली, आई सॉर्ट इट आउट, आई कन्विंस देम। मैं तो ईशा को बस अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वेल, मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी। मुश्किल क्यों है? वो एक्चुअली अजमेर, ईशा ना काफी टाइम से अपने कजन के साथ इन्वॉल्वड है। इनफैक्ट उन दोनों की शादी की बात भी चल रही है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी फीलिंग्स ना मैं उस तक पहुंचा दूंगी। आपके कजन भी इन्वॉल्व है? यस। एनीवे, थैंक्स फॉर द कॉफी, मैं चलती हूँ।
मिनाल, मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक ईशा। ईशा की दोस्त हो ना, तो तुम प्लीज ईशा से बात करो, ताकि मैं अपनी अम्मी से बोलूँ वो फौरन रिश्ता लेके जाए उसके घर। मैं तो ईशा को बस अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। उसे मेरे बजाय उस मामूली सी ईशा में इंटरेस्ट है। मुझे मिनाल ने अभी तक कॉल ही नहीं की। अब तक तो इज़मी ने मिनाल को प्रपोज कर ही दिया होगा। खैर है, मैं खुद ही कॉल करके पूछ लेती। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? इस टाइम आपकी कॉल, मुझे तो लग रहा था कि आपको मेरी कॉल का इंतजार होगा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप तो मेरी कॉल सुन के मज़ीद परेशान हो गई। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं हुई थी, बल्कि अच्छा हुआ कि आपने कॉल कर ली। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरा कॉल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा लिसन, मिस करोगी मुझे? भूल तो नहीं जाओगी ना? मैं भला आपको भूल सकती हूँ? मैं आपको खुद को भूलने भी नहीं दूंगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अशर भाई ने आज गुरम के रिश्ते के लिए दोबारा हाँ करने के लिए कहा है। तो तुमने मना नहीं किया अभी तक? मैंने मना किया था, पर वो पूछ रहे थे कि मैं किसी को पसंद तो नहीं करती। तो तुमने कहीं मेरे बारे में बता तो नहीं दिया उन्हें? नहीं बाबा, मैंने आपके बारे में नहीं बताया उन्हें। जब तक आप नहीं अपने घर वालों से बात करेंगे, मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा हुआ आप घर आ गए। अरे कहीं भी जाता हूँ, वापस तो घर ही आता हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे हुआ क्या है? मिनाल अपने कमरे में चीजें तोड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो पूछना तो चाहिए ना कि क्या हुआ है। कम से कम कॉल ही कर देती तो पूछे। नाल, नाल मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। क्या हुआ है? रिलैक्स,
बताओ मुझे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? ईशा ने आपकी मिनाल को शिकस्त दे दी है भाई। रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ है बताओ। शाबाश। पता नहीं उसे जमीर को ईशा में क्या नजर आता है, मुझे छोड़ के उससे मोहब्बत कर रहा है। इतनी सी बात पे परेशान? ये इतनी सी बात नहीं है भाई। मैं एक बात बताऊं, ये जो ईशा है ये अपने अशर की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही है। अशर और ईशा, आपको किसने बताया? मुझसे क्या छुपता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को साथ में। अपनी औकात भूल गई है क्या वो? मैंने उसे दोस्ती के नाम पे मुंह क्या लगा लिया, वो इस घर में आने का ख्वाब देख रही है। अशर और ईशा माय फुट, वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? सोचने दो, सोचने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, सोचने दो। नहीं भाई, बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, इज़मीर को छीन लिया उसने मुझसे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो लड़का है कौन है? ये इज़मीर, बड़ी बदतमीज है मिनाल, हीरो आया तो दोस्त को भूल गई। अभी तक इसने मुझे बताया ही नहीं कि इसके हीरो ने इजहार मोहब्बत की कैसे। कोई बात नहीं, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। ले, अरे ये क्या बात हुई भला? तो बात नहीं, दोबारा कॉल करने पर फिर से होगी शायद। ये क्या बात हुई भला? पहले कॉल नहीं उठा रही थी, अब नंबर बंद कर लिया है। अजीब है ये लड़की, पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया हीरो ने, तो उसको ही भूल गई है। यस मैम, मैम रुकिए, सर मीटिंग में हैं। आपकी हेल्प करा दो। अरे वाह, भाई सूरज कहाँ से निकला है? अम्मी आप भी ना किसी हाल में खुश नहीं होती। अच्छा छोड़ें, मुझे बताएं क्या बनाना है, मैं खाना बनाती हूँ आज। मिक्स सब्जी बना रही हूँ। मिक्स सब्जी,
क्या हुआ? रेसिपी नहीं पता मिक्स सब्जी की? रेसिपी तो मैं ढूंढ ही लूंगी, पर मैं मिक्स सब्जी खाऊंगी कैसे? मुझसे नहीं खाई जाएगी ये मिक्स सब्जी। आपको पता है मिनाल के घर में ना ये लंबी डाइनिंग टेबल होती है जिसमें हर किस्म के खाने होते हैं, लज़ानिया, चिकन पास्ता, कोरमा। अगर दो चीज़ें आपकी पसंद की ना भी हो ना, तो 10 चीज़ें आपकी पसंद की होती हैं। देख लिया ना, रोज रोज मिनाल के घर जाने का नतीजा। अब इसमें मिनाल कहाँ से आ गई? उसके घर का लज़ानिया पास्ता खा खा कर ना तुम घर की सब्जी खाना भूल गई। अच्छा, खा लूंगी मैं मिक्स सब्जी। फ्रिज में से चिकन निकालो और अपने लिए कढ़ाई बना लो। ये हुई ना बात, हटाएं ये सब्जी वब्जी, आज मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी हो। लड़कियों को घरदारी आनी चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। पूरम बहुत अच्छा लड़का है, मेरी उमेर से बात हुई थी, वो भी राजी है। इंशाल्लाह तुम खुर्रम के साथ बहुत खुश रहोगी बेटा। मेरी शादी का ख्याल ना आप अपने दिल से निकाल दें और बनाने खुद जो बनाना है, मुझे नहीं सीखनी घरदारी बरदारी। एक तो इस लड़की की भी समझ नहीं आती मुझे। क्यों आई थी तुम? क्यों आई थी तुम ऑफिस? तो मेरी कॉल नहीं उठाओगे, यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम तक आऊंगी। मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने रखी थी ना शर्त, इस मुसीबत से जान छुड़ा लो सब ठीक हो जाएगा। रखी थी ना, कहा था ना तुम्हें। ओके, यानी तुम अपनी जिद से नहीं हटोगे? हाँ हाँ, अड़ा रहूंगा। ओके ठीक है, कि मैं अभी बता दूं, इस बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी जान, मेरे खिलाफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। सोच लो। सोच लो, बहुत अच्छी तरह सोच लो। तुम जाओ अपनी बीवी खानसा के पास, जो तुम्हारी जी हजूरी के लिए बैठी होगी। तब तक मैं भी सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना। सोचो, एक बार नहीं हजार बार सोचो, बार बार सोचो, क्योंकि तुम कितनी भी ऊंची उड़ान उड़ लो, मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। लड़की ना। हाय ईशा। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मिनाल नजर नहीं आ रही, आप अकेली हैं? हाँ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आई है। मैंने उसको कॉल भी की थी, उसका नंबर बन जा रहा है। हाँ, मैंने भी कॉल की थी, नंबर ऑफ है उसका। बट डोंट वरी, उसका नंबर अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा, फिर आप उससे बात कर लीजिएगा। थोड़ी नीडी है ना। आई नो। मिनाल ने आपसे कोई बात की? नहीं, मेरी मिनाल से कोई बात नहीं हुई। वो एक्चुअली मिनाल बता रही थी कि आप आजकल कुछ मसरूफ रहती हैं। मैं बस
अगर उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मेरे बारे में सब पता होता है। ईशा, रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग सारी जिंदगी अपने दिल की बात नहीं कर पाते। I have the same fear. मिनाल, अगर आपसे कोई बात करे तो आप एक बार जरूर सोचेगा। मिनाल मुझसे क्या बात करेगी? कहीं अजमीर ये तो नहीं चाहते कि मैं मिनाल को उनके लिए कन्विंस करूं? पर मिनाल तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है। ये लड़की भी ना एक तो नंबर बन करके बैठी हुई है, अब से कॉल कर रही हूं। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? अम्मी मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नहीं बेटा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अम्मी आप मुझे परेशान लग रही हैं, वहाँ कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अम्मी ईशा कहाँ है? ईशा अपनी सहेली की तरफ गई है। तो आप इसलिए परेशान हो रही थी? हाँ शायद, रोकती टोकती हूँ तो नाराज हो जाती है। आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा। नहीं बेटा, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब हो ना कि तुम समझाओ और वो समझ जाए। बस बेटा मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। घर और शौहर की जिम्मेदारी उस पर पड़ेगी ना, तो खुद ये दोस्ती वोस्ती सब भूल जाएगी। बेटा मैं नजमा को हाँ कर दूं? अम्मी आपको जो बेहतर लगे वो फैसला कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपका फैसला दुरुस्त होगा। बेटा फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, करती हूँ जल्दी उसे अपने घर का। लेकिन तुम भी सुन लो, इस बार अपनी बहन के वकील बनकर बीच में मत आना। अच्छा ना, नहीं आऊंगा बीच में। ईशा चले गई तो आज लगता है कि मेरी क्लास लेने के मूड में हैं आप। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। मैंने समझाया था ना तुम्हें, समझाया था कि कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। मरीना, मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, कह चुका हूं ना तुम्हें। भूल है तुम्हारी, बहुत अरसे रह लिया जिस तरह तुम चाहते थे। मैं सिर्फ वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, और अब ना सिर्फ मैं तुमसे अपना हक लूंगी बल्कि अपने बच्चे को भी उसका हक दिलवाऊंगी। और तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इकरार करना होगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं तुमसे कहलवा के रहूंगी। नहीं नहीं मरीना, तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। क्या कर लोगे? तुम जानती हो मुझे, फिर भी तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। सीरियसली मतलब क्या कर? समझा रहा था ना। मैं
अपनी बात, कोई नहीं जा सकता मेरे खिलाफ, कोई भी नहीं।